हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं उसके बारे में, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला है मसीह मोदी, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और इसके ऑथर हैं तवलीन सिंह। नेक्स्ट है माइंड मास्टर, और ये बायोग्राफी है विश्वनाथन आनंद की, और इसके ऑथर भी हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है लीगेसी ऑफ लर्निंग, और इसकी ऑथर हैं सविता छाबड़ा। नेक्स्ट है कोड्स ऑफ इंडिया, और इसको लिखा है रंजन गोगोई ने, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 46। नेक्स्ट है ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, और इसकी ऑथर हैं रुचिका तोमार, और ये इनकी डेब्यू नॉवल थी, और इसके लिए इन्हें 2020 का पेन हेमिंग्सवे अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट है मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, और इसे लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रसूता डोगरा ने। नेक्स्ट है हेमंत करकरे, ए डॉटर्स मेमोयर, और इन्हें लिखा है जूही करकरे ने। हेमंत करकरे जो थे, ये 26/11 मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनकी डेथ हो गई थी, और इसको लिखा है हेमंत करकरे की बेटी जूही करकरे ने। नेक्स्ट है द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स, और इसके ऑथर हैं अभय कुमार। नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ, इसको लॉन्च किया था अमित शाह जी ने, और इसको लिखा है, इसको किसी एक पर्सन ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, और ये कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो बेस्ड है नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके ऊपर। नेक्स्ट है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, और इसके ऑथर हैं अपूर्व कुमार सिंह। नेक्स्ट है गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, और इसकी ऑथर हैं नेहा जे हीरानंदानी। नेक्स्ट है माय लाइफ माय मिशन, और ये बायोग्राफी है बाबा रामदेव जी की, और इसको लिखा है बाबा रामदेव और उदय मधुरकर जी ने। नेक्स्ट है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, और इसके ऑथर हैं वेंकैया नायडू, जो कि इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है सावरकर, ईचोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 1883 to 1924, और इसके ऑथर हैं विक्रम संपत। 2019 में ये बहुत ही फेमस बुक रही थी, तो इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी, और इसके ऑथर हैं फ़कीर हसन। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, और इसे लिखा है मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी जो हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं और एक सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं, और इन्होंने इस बुक में अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने 5 साल में क्या क्या काम किया या जो भी हुआ वो सब इस बुक में मेंशन है। नेक्स्ट है टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स, और इसको लिखा है, इसको लिखने वाले दो ऑथर्स हैं, पहला है राहुल महाजन और दूसरी है भारती एस प्रधान, और ये भी 2019 की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक रही थी। नेक्स्ट है लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, और इसके ऑथर हैं अनुपम खेर, और ये इनकी बायोग्राफी है। नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये अपने टाइप की एक पहली बुक है जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे उन्हें मेंशन किया गया है, और इसके ऑथर हैं आशीष रे। नेक्स्ट है चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, और इसके ऑथर्स हैं हरिवंश नारायण सिंह एंड रवि दत्त वाजपेयी। नेक्स्ट है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ
इंडिया, और इसके ऑथर हैं पी चिदंबरम, जो कि हमारे पूर्व फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया, और इसे लिखा है मनमोहन सिंह जी ने। नेक्स्ट है लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पी एन भगवती अप्रोच, और इसके ऑथर हैं मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शंस, ये बुक जो है वो 2019 में आई थी, और इसके ऑथर हैं नवीन चावला। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी ऑन द रोड, और इसके ऑथर हैं रुचिर शर्मा। नेक्स्ट है व्हाट डू आई डू, और इसके ऑथर हैं रघुराम राजन। रघुराम राजन जो थे वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। नेक्स्ट है द थर्ड पिलर, और इसे भी लिखा है रघुराम राजन ने। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और इसकी ऑथर है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है रावण, और इसके ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, और ये बायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की, और इसे लिखा भी है सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट है गेम चेंजर, ये बुक शाहिद आफरीदी की बायोग्राफी है, और इसे लिखा है शाहिद आफरीदी ने और वजाहत एस खान ने। नेक्स्ट है कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर, और इसे लिखा है रचना बिष्ट रावत ने, और 2019 में एक दो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट है वाई आई एम हिंदू, और इसे लिखा है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और इसके ऑथर भी हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और इसको भी शशि थरूर ने ही लिखा है, और इससे 2019 एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, और इसके ऑथर भी हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है एग्ज़ाम वॉरियर्स, और इसके ऑथर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है एग्ज़ाम वॉरियर्स, और ये इसका ब्रेल वर्जन है। जो एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी वो हिंदी और इंग्लिश में थी, और इसका ब्रेल वर्जन जो है वो अभी दिसंबर में लॉन्च किया गया है, और उसे लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत ने, जो कि हमारे सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, और इसको प्रिंट किया गया था राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जो कि जयपुर में है, उसके द्वारा। नेक्स्ट है 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और इसके ऑथर हैं काशीनाथ पांडे। नेक्स्ट है सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, और इसे लिखा था शीला दीक्षित ने, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिल्ली की थी। दिल्ली माई दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, शीला दीक्षित। ये बुक शीला दीक्षित ने लिखी थी 1998 में, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी दिल्ली की, और 2014 तक रही थी, यानी कि अप टू 15 ईयर्स तक जो है ये दिल्ली की सीएम रही थी। नेक्स्ट है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, और इसके ऑथर हैं वाई वी रेड्डी एंड जी आर रेड्डी। नेक्स्ट है द रिपब्लिकन एथिक, और इसे लिखा है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट है लोकतंत्र के स्वर, और इसे भी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, और इसे लिखा है राजेंद्र अकलेकर ने। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इसे लिखा है संजय बारू ने, और इस बुक पर एक मूवी भी बनी है। नेक्स्ट है इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालकोट, और इसे लिखा है उदयवीर सिंह, या कह सकते हैं यूवी सिंह ने, और ये पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है मोदी अगेन, और इसे लिखा है आपास मालदी हार ने। नेक्स्ट है रेडियो कश्मीर, और इसके ऑथर हैं राजेश भट्ट।
नेक्स्ट बुक है गन आइलैंड और इसके ऑथर हैं अमिताव घोष। नेक्स्ट बुक है शेड्स ऑफ ट्रुथ और इसे लिखा है कपिल सिब्बल ने। नेक्स्ट है द गिल्डेड वॉल्व्स और इसे लिखा है रोशनी चौकसी ने। नेक्स्ट है लेट्स टॉक ऑन एयर और इसे लिखा है राकेश चंद बख्शी ने। नेक्स्ट बुक है डेयर आई क्वेश्चन और इसे लिखा है हामिद अंसारी ने, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। नेक्स्ट है द टेक विस्परर और इसे लिखा है जसप्रीत बिंद्रा ने। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी एंड विजडम और इसे लिखा है दिनेश सहरा ने। नेक्स्ट बुक है ए रूलर मैनिफेस्टो और इसे लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने। नेक्स्ट बुक है फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी और इसे लिखा है अरविंद पंगारिया ने। नेक्स्ट बुक है 281 एंड बियॉन्ड और इसे लिखा है वीवीएस लक्ष्मण, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, और आर कौशिक ने मिलकर। नेक्स्ट बुक है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ और इसे लिखा है सौरव गांगुली, जो कि इस टाइम बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, और गौतम भट्टाचार्य, इन दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट है फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया और इसे लिखा है सुप्रीता दास ने। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड और इसे लिखा है इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। नेक्स्ट है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल और इसे लिखा गया है राम कमल मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार और इसे लिखा है सत्यार्थ नायक ने। नेक्स्ट है नोट्स ऑफ ए ड्रीम और इसे लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। ये है ए आर रहमान की बायोग्राफी। नेक्स्ट है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासीफाइड और इसे लिखा है इकबाल चंद महलोत्रा ने। नेक्स्ट है लालू लीला और इसे लिखा है सुशील मोदी ने। नेक्स्ट बुक है इंडिया 2019 और इसे लिखा है राजीव महर्षि ने, जो कि इस टाइम इंडिया के कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बीइंग गांधी और इसे लिखा है पारो आनंद ने। नेक्स्ट बुक है द इंकेट रिवर बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा और इसे लिखा है अरूप ज्योति सेकिया ने। नेक्स्ट बुक है एल्यूमिनियम द फ्यूचर और इसे लिखा है तपन कुमार चंद ने। नेक्स्ट बुक है इंडियाज लास्ट फ्रंटियर और इसके ऑथर हैं राघवेंद्रा सिंह। नेक्स्ट बुक है द आधार इफेक्ट और इसे लिखा है चार्ल्स एसीसी एंड एनएस रामनाथ ने। नेक्स्ट बुक है हिट रिफ्रेश और ये है इसे लिखा है सत्य नाडेला ने, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल। नेक्स्ट है 11th आर और इसे लिखा है एस हुसैन जैदी ने। नेक्स्ट है इंडिया पॉजिटिव और इस बुक को लिखा है चेतन भगत ने। चेतन भगत की एक और बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि काफ़ी फेमस रही थी और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। नेक्स्ट है सैफ्रॉन स्वॉर्ड्स इस सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स और इसे लिखा है मानुषी सिंह रावल एंड योगादित्य सिंह रावल ने। नेक्स्ट है माय सेडेशियस हार्ट कलेक्टेड नॉन फिक्शन और ये नॉवल लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स और इसे लिखा है अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने, और इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फ्लिपकार्ट और इसे लिखा है मिहिर दलाल ने। नेक्स्ट है बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में
और इसे लिखा है रविश कुमार ने, जो कि एनडीटी जर्नलिस्ट हैं और एनडीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इन्हें लास्ट ईयर रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, और इसे लिखा है बिल गेट्स ने, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज़, यानी कि 2019 में जिन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था कुछ उन ऑथर्स के बारे में। तो पहली है मिल्क मैन, और ये बुक लिखी थी एना बर्न्स ने। नेक्स्ट है ए नैरो रोड टू दी डीप नॉर्थ, और इस बुक को लिखा था रिचर्ड फ्लैनिगन ने। नेक्स्ट बुक है द सेल आउट, और इसे लिखा है पॉल बीटी ने। नेक्स्ट बुक है सेलेशियल बॉडीज़, और इसे लिखा है जोहा अल्हार्थी ने। नेक्स्ट है लिंकन इन दी बार्डो, और इसे लिखा है जॉर्ज सॉन्डर्स ने। नेक्स्ट बुक है ब्रिंग अप द बॉडीज़, और इसे लिखा है हिलेरी मेंटल ने। नेक्स्ट बुक है द सेंस ऑफ एन एंडिंग, और इसे लिखा है जूलियन बर्न्स ने। एंड नेक्स्ट बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, और इसे लिखा है मार्लोन जेम्स ने। इस वीडियो में जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी हमने उनके बारे में पढ़ा और उनके ऑथर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको देखने के लिए आपका थैंक यू।